नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर की एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि सर एक बार यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का हमारे को डेमो देके दिखाइए, कि प्रूव कीजिए कि ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर गलत है, ये डिवाइस फेक है, ये कोई रियल डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आज इसी चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं। इसमें मैं मैनुअल वाला यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर इस्तेमाल करूंगा, डिजिटल वाला नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर बना रहे हैं, और मैं जिस ब्रांड का यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा ब्रांड है, और मैनुअल वाला मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर बनाने वाले बहुत कम है दोस्तों। इसीलिए हम डिजिटल वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर ब्रांडिंग आ जाएगी, इस पर ब्रांडिंग आ रही है, और किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है, हिलता है, उस पर ब्रांडिंग दिख जाती है। इसीलिए दोस्तों ब्रांडिंग को हाइड हम जिस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से कर पाए, हम आज उससे आपको डेमो दिखा रहे हैं दोस्तों। और यही सेम चीज़ आप अपने कंसल्टेंट के, अगर आपके पास भी कोई यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला फ्रॉड वास्तु कंसल्टेंट आ रहा है, तो उसके ऊपर भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप उनसे भी ये सेम सवाल पूछ सकते हैं, और उनके साथ भी आप ये टेस्ट ले सकते हैं दोस्तों। और हाँ, इसमें उन कंसल्टेंट्स को भी मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसका यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर काम करता है, या वो बहुत रियल वास्तु कंसल्टेंट है, तो मैं उनको ऑफ़र देता हूँ कि आप मेरे को कॉल करिए, मेरे से मिलने आइए, या मुझे बुला लीजिए अपने पास मिलने, मैं आपके पास आऊँगा, अपनी टीम लेके आऊँगा वीडियोस वाली, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा जो कि आपको अपने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से करके दिखाने होंगे दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले एक वेबिनार हुआ था, जिसमें कि मैं एक कंसल्टेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उस वेबिनार में मैं बैठा था, और उस वेबिनार में मैंने उन कंसल्टेंट से पूछा, उन्होंने कहा मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ अपने इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से। तो मैंने उनसे छोटा सा एक सवाल किया, मैंने कहा ये मेरे पास 100 का नोट है, और इस बुक में, ये 80 पेजेस की बुक है, इस बुक में मैं इस 100 के नोट को किसी भी एक जगह पर डाल दूंगा, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन से 20 पेजों के बीच में वो 100 का नोट है। मैंने ये भी नहीं कहा आप मुझे पेज नंबर बताइए, मैंने उनको ये बताया कि 1 to 20 के बीच में मैं वो नोट डाल रहा हूँ, या 21 से 40 के बीच में मैं ये नोट डाल रहा हूँ, या 41 से 60 के बीच में मैं ये नोट डाल रहा हूँ, या 61 से 80 के बीच में। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा भड़क गए मेरे ऊपर, वो इसीलिए था क्योंकि वो चिढ़ गए थे इस बात से कि मैं उनकी पोल खोल रहा हूँ उनके वेबिनार के बीच में। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं अपने इस फ्रॉड यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वालों को। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉड यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, क्योंकि ये आपके साथ फ्रॉड ही करते हैं। फिर ये आपको बताते हैं आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस, जिनको जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब नहीं पता वो आपको आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बता रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता कितनी तरह का है, वो आपको बता रहे हैं कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, आप ये रॉड लगा लीजिए। उन रॉड्स की भी पोल खोलूँगा, उन रॉड्स को भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन रॉड्स को पॉजिटिव बनाया जाता है, किस तरीके से नेगेटिव बनाया जाता है। सेम यही काम दोस्तों डिजिटल वाला भी करता है, और इनके आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगा। अब तो क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं, तो ये सैंपल में शनि के नाम पे ब्लैक कलर की दाल डाल देते हैं, पहले तो वो भी नहीं डालते थे दोस्तों, पहले एम्प्टी बॉटल्स आती थी सैंपल की, सिर्फ ऊपर एक स्टिकर लगा रहता था और कहते थे ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर काम करता है। तो दोस्तों आप भी अपने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले को चेक कर सकते हैं, उसके सैंपल चेक करिएगा, बोलिएगा फायर का सैंपल दिखाइए मुझे, आप कहते हैं ना फायर एलिमेंट चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों एलिमेंट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, जो सैंपल के अंदर, जिस सैंपल से वो चेक कर रहे हैं उसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। फायर के अंदर कैसे वो फायर रखेंगे, जो फायर का सैंपल है उसके अंदर फायर तो वो रख ही नहीं सकते, और कोई देवता भी नहीं है जो अग्नि हो, जिसकी फोटो वो रख लें, जिसकी दाल वो रख लें। तो दोस्तों ऐसे ही, इसी तरीके से आप अपने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले के झूठ को और फ्रॉड को पकड़ सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं डेमो इसका। इसमें सबसे पहले मैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर निकालूंगा अपने, ये मेरे पास दोस्तों यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है,
इनको सबसे पहले वो आपके आगे ऑन करते हैं इस तरीके से, इसमें लाइट आ जाती है। ये दोनों में लाइट आ गई, आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने ऑन कर लिए। कई बार वो इसको खोलते हैं, कई बार उसको खोलते भी नहीं है, वो कहते हैं मैं तो ऐसे ही चेक कर लेता हूँ, और वो बहुत बार सैंपल लगाते भी नहीं है। मैंने लगा रखा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं खाली है, ये बिल्कुल एम्प्टी है सैंपल, इसके अंदर कुछ नहीं डिब्बी के अंदर। इस तरीके से वो आपके सैंपल लगाते हैं, फिर वो आपके घर में इसको लेके घूमते हैं। लेके घूमते तो वो ऐसे करके आपके घर में लेके घूमेंगे, और फिर जैसे जैसे वो आपके घर में आगे बढ़ेंगे, वो दिखाएंगे कि ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे आपके घर में 50%, यहाँ पे 80% ऊर्जा पॉजिटिव है। और कहीं पे भी अगर उनको नेगेटिव दिखाना होगा दोस्तों, तो वो इस तरीके से लेके चलेंगे और वो कहेंगे यहाँ तो नेगेटिव आ गया, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये नेगेटिव हो गया। अब फिर उसके बाद वो सवाल पूछते हैं इससे कि आपके चक्रा चेक करेंगे। सबसे पहले आता है आपका क्राउन चक्रा, हम चेक करेंगे क्राउन चक्रा कितना है आपका। ओह ये तो सिर्फ 40% है, तो आप एक काम कीजिए, आप रोज नहाना शुरू कर दीजिए, आपका क्राउन चक्रा ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी फिजूल की रेमेडियाँ वो आपको बताते हैं, या बहुत बार तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये स्टोन रख लीजिए अपने पास, या कोई और उनका जो प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप कर रखा होगा, बना रखा होगा, वो आपको रिकमेंड करते हैं। दोस्तों ये सब हाथ की सफाई है। अब मैं इससे सवाल पूछूंगा कि क्या ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर फेक है, अभी मुझे बताएगा दोस्तों। देखो दोस्तों इसने बताया ये 100% फेक है, देखो। अब दोस्तों मैं एक और सवाल पूछूंगा इससे, क्या ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर इस्तेमाल करने वाले सारे फ्रॉड हैं? यस है तो ओपन हो, नो है तो क्लोज हो जाए। देखिए दोस्तों ये सारे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले फ्रॉड हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों ये 100% ओपन हो गया है। कुछ लोग इसको भी 100% मानते हैं और कुछ लोग इसको 100% मानते हैं कि ये तो पूरा उल्टा हो गया, ये 100% है, ये वाला ये 100% है। तो दोस्तों ये सब हाथ की सफाई है जो वो आपके साथ खेल रहे हैं, जो वो आपके ब्रेन के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों आप उनकी हाथ की सफाई में ना आए, क्योंकि आपको ये अजीब सी चीज़ दिखती है, आपको एक नई सी चीज़ दिखती है, आप लोग ये हो जाते हैं इम्प्रेस। आपको नहीं होना दोस्तों ऐसे फ्रॉडियों से इम्प्रेस। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं अपने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले को इसमें। उसके बाद वो आपको रिकमेंड करते हैं कुछ वास्तुशास्त्र के प्रोडक्ट। पहले मैं आपको सैंपल दिखा दूँ दोस्तों, ऐसे 300 सैंपल्स वो आपको देते हैं, ये देखिए भरे पड़े इसमें। ये नेगेटिव IR का सैंपल है, ये नेगेटिव UV, ये पॉजिटिव एनर्जी, वुड, मेटल, हेल्थ, अर्थ एलिमेंट, ये रहा स्पिरिट्स। अब देखिए इसमें कौन से स्पिरिट्स बैठे हैं, जो स्पिरिट चेक करूँगा मैं, खाली डब्बी है, ये एम्प्टी सैंपल्स होते हैं दोस्तों, जिससे वो बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ जिन रॉड्स और जिन चीज़ों से वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं इसको रख देता हूँ, 5 मिनट बाद इस्तेमाल करेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों ये वाटर एलिमेंट की रॉड है, इसके अंदर वो भरा हुआ है आपका जमुना रेती। ये देखिए दोस्तों इसमें ब्रांडिंग भी है, मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा, ब्रांडिंग को मैंने थोड़ा सा हाइड भी कर रखा है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ये रहा ये जियोपैथिक स्ट्रेस की रॉड है दोस्तों, देख सकते हैं आप, और ये ब्रांडेड मंगाया मैंने इसीलिए सारा। ये टॉयलेट ब्लॉकर, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पिरामिड चिपका दिया, वो भी शायद टूटा हुआ है आधा सा। ये है आपका डोर पैसिफायर, सुना था बच्चे पैसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ये वास्तु कंसल्टेंट भी पैसिफायर इस्तेमाल करने लगे अब। ये दोस्तों फायर एलिमेंट को बैलेंस करने वाली रॉड, इसके अंदर कचरा भरा हुआ है, जमुना रेती है दोस्तों इसके अंदर, मैंने काट के देखी थी रॉड, बहुत सारी मेरे पास कटी हुई भी रखी हैं, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद वो क्या करते हैं वो पहले आपको बताएंगे, पहले वो आपके घर में आएंगे, फिर वो चलेंगे आपके घर में इस तरीके से, ऐसे करके, फिर वो कहेंगे मैं जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर रहा हूँ,
और फिर वो एकदम से कहेंगे यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है, ये आ रहा है देखो 100% जियोपैथिक स्ट्रेस है यहाँ। फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे एक रॉड, कहेंगे ये लो इसको अपने हाथ से नीचे रखो, फिर आप उसको नीचे रखोगे कहीं पे भी रख देंगे नीचे, फिर वो दोबारा चल के दिखाएगा आपको कि ये देखिए, ये देखिए ये खत्म हो गया जियोपैथिक स्ट्रेस, ये दोनों जुड़ गए। और कई बार ऐसा भी करते हैं कि जब जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा होता है तो वो ऐसे करते हैं, और फिर जब जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो कहते हैं ये देखो पॉजिटिव एनर्जी आ गई, ये आ गई पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों ये सब हाथ का खेल है, ये इसमें यहाँ पे बॉल बियरिंग लगा हुआ है जिसकी वजह से वो इसे हिला पाते हैं। आप उनसे ज़रूर कहिएगा कि सर मैं, आप ये करेंसी नोट वाला कर सकते हैं दोस्तों, आप कहीं भी हैं आप उनको बोलिएगा कि हमारे पास करेंसी नोट है, हम उसको एक बुक में रखेंगे और आप हमें पेज नंबर बता दीजिए कि किस पेज नंबर पे वो करेंसी नोट है। क्योंकि दोस्तों वो दावा करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, किसी की फ़ोटो से वो आदमी का पता लगा सकते हैं। तो मैं उन वास्तु कंसल्टेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप मेरे एड्रेस का पता लगा लीजिए, मेरी फ़ोटो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, आप मेरे एड्रेस का पता लगाइए, मेरे घर आ जाइए, मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं सच में आपके वीडियो बनाऊंगा कि देखिए फ़ोटो से मेरे घर आए हैं और अब मुझे बहुत सारे डेमो करके दिखाने वाले हैं, और एक एक चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूंगा और अपने चैनल पर डालूंगा। तो दोस्तों आप भी अगर ऐसे फ्रॉड्स के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट्स आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह के घूम रहे हैं, कुछ चक्रा वाले घूम रहे हैं, वो चक्रा लेके घूमते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो वो आएगी मेरी चक्रा की, वो आपके अच्छे भले रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लॉट पे या मकान पे चक्रा लगा देते दोस्तों, और वो आपको चक्कर में डाल देते। दोस्तों आजकल वास्तु कंसल्टेंट्स का एम जो रह गया है वो ये रह गया है कि किस तरीके से आपको टेंशन दी जाए, फिर आपको महंगी रेमेडीज चिपकाई जाए। वो अपनी फीस को बहुत कम कर लेते हैं कई बार, और फिर बहुत महंगी आपको रेमेडीज़ बेचते हैं, या वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो पता नहीं कितने बड़े वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, और उसके बाद वो आपसे फीस भी बड़े ज़्यादा लेते हैं, और फिर उसके बाद लाखों रुपए के आपको प्रोडक्ट भी बेचते हैं। दोस्तों ऐसे फ्रॉडियों के चक्कर में ना पड़े जो कि 4 दिन का कोर्स करके आचार्य महर्षि ऋषि और पता नहीं अपने आप को क्या क्या लिखने लगे हैं। पहले देख लीजिए उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके वास्तु में कितना पढ़ा हुआ है वो, क्या वो कोई आचार्य टाइप का वास्तु कंसल्टेंट है। क्योंकि दोस्तों 4 दिन का कोर्स करके जो आचार्य का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं दोस्तों, वो कंसल्टेंट नहीं है। जो एक्चुअल में वास्तुशास्त्र में रिसर्च कर रहा है वो है रियल कंसल्टेंट। इन आचार्यों से अच्छा तो वो है जो आपका मंदिर का पंडित है, वो आपको बेटर वास्तु बता सकता है। अगर आप उसके पास जाएंगे वो कम से कम आपको टेंशन नहीं देगा, वो आपको 2 अच्छे उपाय बता देगा। तो दोस्तों अगली बार ऐसे फ्रॉड वास्तु कंसल्टेंटों के चक्कर में कभी ना फंसे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।